हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज चेक डी स्टडी आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग ये जो टॉपिक है ऑलरेडी फर्स्ट ईयर बीकॉम को मैंने पढ़ाया है बट फर्स्ट ईयर बीकॉम को जो मैंने पढ़ाया वो ग्राफिकल मेथड करवाया सेम कंसेप्ट गोज विथ टी वाई बी एम एस एंड सेम कंसे गोज विथ योर एफ आई बी बी आई बट आज के क्लास के अंदर हम लोग कवर करने वाले सिंप्लेक्स मेथड पहले हम सिंप्लेक्स मेथड कंप्लीट कर लेंगे एंड देन आई विल गो टुवर्ड्स ग्राफिकल मेथड अगर आपको ग्राफिकल पढ़ना है तो फर्स्ट ईयर बी कॉम का या ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का लीनियर प्रोग्रामिंग वीडियोज आप चेकआउट करोगे तो डेफिनेटली आपका ग्राफिकल मेथड भी क्लियर हो जाएगा तो स्टार्ट करेंगे अच्छा क्लास

वर्ड प्रॉब्लम्स भी है ग्राफिकल मेथड भी है सिंप्लेक्स मेथड भी है तो आप ऐसा कंफ्यूज मत होना कि हमारा सिलेबस अलग है या कुछ है इट इज ऑलमोस्ट सेम एवरीथिंग इज सेम मैंने ग्राफिकल मेथड के वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर रखे वर्ड प्रॉब्लम्स के भी वीडियोस अपलोड कर रखे दैट डजंट मीन मैं यहां पे अभी वापस नहीं पढ़ा रहा हूं आज हमारा पूरा फोकस होगा एक सिंपलेक्स मेथड के कांसेप्ट पे 99.99% .99 आता ही है सिंपलेक्स मेथड क्लियर है तो ये करना ही है आज जो स्टेप्स दूंगा मैं आपको जो कंसेप्ट दूंगा अगर ये कंसेप्ट क्लियर होता है तो आप हर टाइप के सम्स ऑफ सिंप्लेक्स मेथड कर सकते हो विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको जितना इजी करने का उतना इजी करके देता हूं ठीक है क्या ओके okay. टेक्स्ट बुक जो मैं रेफर कर रहा हूँ वो टी वाई बी एम एस का ऑपरेशनल रिसर्च का टेक्स्ट बुक है बट आप ये फर्स्ट ईयर बीबीआई के लिए भी इंपॉर्टेंट है आप उस ये सम्स को भी आप रेफर कर ही सकते हो बिकॉज मैथ्स इज अ प्ले ऑफ नंबर्स नंबर्स के साथ खेलना है कंसेप्ट मालूम तो होना चाहिए खाली ठीक है चलिए फिर स्टार्ट करना देखते क्वेश्चन क्या दिया है क्वेश्चन है मैक्सिमाइजिंग लीनियर प्रोग्रामिंग दो टाइप के होते हैं मैक्सिमाइजिंग एंड मिनिमाइजिंग आज हम फोकस कर रहे हैं मैक्सिमाइजिंग के ऊपर सर मिनिमाइजिंग तो कुछ अलग होएगा नहीं एक पॉइंट है खाली छोड़ा सा वो अलग होता है बाकी एवरीथिंग रिमेंस द सेम तो यहां पे है मैक्सिमाइजिंग इसे हम लोग कहते हैं ये जो क्वेश्चन है इसे हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये क्या है सब्जेक्टिव फंक्शन ऑब्जेक्टिव क्या है मैक्सिमाइज आना है सब्जेक्टिव किसे यूज करके इसे यूज करके इक्वेशन समझो क्या है इक्वेशन है मैक्सिमाइज द वैल्यू मतलब हमारा ऑब्जेक्ट है मैक्सिमम आंसर चाहिए मैक्सिमम कब चाहिए प्रॉफिट होता है तब तो इन शॉर्ट इस बंदे को मैक्सिमम आंसर चाहिए इसे हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं मिनिमाइजिंग भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा मतलब ऑब्जेक्ट क्या आपका मैक्सिमाइजिंग या मिनिमाइजिंग अब ये मैक्सिमाइजिंग मिनिमाइजिंग कैसे आएगा सब्जेक्ट टू इक्वेशन से अब इधर आप देखो कितने वेरिएबल्स हैं x1 x2 x1 x2 कितने वेरिएबल है दो वेरिएबल्स है इक्वेशन कितने हैं दो तीन इक्वेशन हो सकते चार इक्वेशन हो सकते पांच हो सकते छे हो सकते डिपेंड करता है इक्वेशन तो दो, दो या तीन इससे ज्यादा आने के चांसेस तो चार पांच इक्वेशंस आने के चांसेस तो नहीं है ओके तो अब स्टार्ट करता हूं सॉल्यूशन बट आप देखो ध्यान से कौन सा मेथड बोला है सेम क्वेश्चन आएगा और नाम चेंज हो जाएगा और लिखेगा ग्राफिकल मेथड जो प्रोग्रामिंग टू में है या फर्स्ट भी 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 आए वाले को है। समझ में सिंप्लेक्स मेथड तो 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 जब भी आएगा तो आपका पहला स्टेप क्या होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन और सब्जेक्टिव फंक्शन लिखना तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख रहा हूं ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है मैक्सिमाइज इज इक्वल टू हंड्रेड एक्स वन प्लस एटी एक्स टू बराबर है ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट टू क्या है देखो सिक्स एक्स वन फोर एक्स टू सेकेंड क्या है टू एक्स वन प्लस फोर एक्स टू अब यहां पे साइन क्या है लेस देन इक्वल्स टू बट मैं सिर्फ डालने वाला हूं इक्वल्स टू क्यों किस लिए बता रहा हूं चलो इक्वल्स टू का साइन डालूंगा ठीक है जितने इक्वेशंस उतने अजम्पशंस जितने इक्वेशंस उतने assumptions. तो मैं इधर ऐड कर रहा हूं इक्वेशन एड एस टू अगर तीसरा इक्वेशन होता एड एस थ्री चौथा इक्वेशन होता एड एस फोर पांचवा इक्वेशन होता एड एस फाइव एंड so सो ऑन अब जब मैंने इसको ऐड किया क्यों ऐड किया बिकॉज ये बोलना चाह रहा है सिक्स एक्स वन प्लस फोर एक्स टू इज लेस देन इक्वल टू सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड

एस टू तीसरा होता तो जीरो एस थ्री जीरो एस फोर जीरो एस फाइव स्टेप नंबर वन क्लियर हो गया पक्का पहला स्टेप क्या है सब्जेक्टिव फंक्शन लिखना है सब्जेक्टिव में वेरिएबल्स ऐड करना है और जितने वेरिएबल्स ऐड किए उसका कॉस्ट ऑब्जेक्टिव में कितना डालने का जीरो जीरो अंडर इस हाँ जी हाँ. बोलिए जी फिर हमको अच्छा लगता है जी यहां तक हो गया अब हम बनाएंगे इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल आई एस टी इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल दिस इज माय इनिशियल टेबल ऐसे मैंने बना के रखा है चार बनाना पड़ सकता है पांच हो सकता है डिपेंड करता है जब तक आंसर नहीं आएगा तब तक ये टेबल बनते रहेगा दो इक्वेशन वाला है तो तीन में तो हो ही जाएगा क्योंकि क्वेश्चन के लिए और दो तो इक्वेशंस के लिए लगता है तीन वेरिएबल हो सकता है तो और सिंप्लेक्स टेबल बनेगा तो सिंप्लेक्स टेबल को इसको हम लोग आई एस टी कहते हैं ट इज इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल ठीक है अब इसके अंदर आप देख सकते हैं मैंने कुछ लिखा हुआ पहले से सीबीआई सीजे बीवी सोल्यूशन रेशियो जेड जे सीजे माइनस जेड जे सीबीआई सीजे बीवी सोल्यूशन रेशियो जेड जे सीजे माइनस जेड जे सब में वही है अब एक एक करके समझते सीजे कॉस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन सी जे सी जे की बात करो जे का मतलब है कॉस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसका कॉस्ट हंड्रेड एटी जीरो जीरो हंड्रेड किसका एक्स वन का एटी किसका एक्स टू का एस वन का एस टू का तो सी जे बीवी समझ में आया क्या लिखते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन अंडरस्टूड पक्का सीबीआई सीबीआई मतलब जिसने एंट्री लिया है हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इसने इसने एंट्री लिया है मतलब S1 और S2 ने एंट्री लिया है हाँ या नहीं तो यहां पे सीबीआई में किसने एंट्री लिया है एस वन और एस टू उसका कॉस्ट कितना है सीबीआई का मतलब कॉस्ट बी आई स्टैंड जो एंट्री लेने वाला है वो तो इधर उसका जीरो जीरो बेसिक वेरिएबल उसका था एस वन और एस टू समझ में आया एंटरिंग वेरिएबल हमारे इक्वेशन में एंटर हुआ S1 और S2 जिसका कॉस्ट है, है ये समझ गया आपको पक्का समझा पहले मैंने ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखा और जो ऑप्टिक में नया आया उनका कॉस्ट लिखा और उनका एंट्री कर दिया टेक्स्ट बुक बीबीआई सॉरी बीबीआई के भी बोलता हूं और ओ आर के लिए मतलब TY, के लिए बोलता हूं। बुक में हो सकता है बेसिक वेरिएबल उधर है सीबीआई इधर है फॉर्मेट चेंज हो सकता है बट एक चीज को फॉलो करना अगर ये है तो ये टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक जो आपको इजी लगता है जो आपको समझ में आता है अगर ये समझता है तो ऐसा फॉर्मेट लिखो जो आपको इजी लगे मैं क्लियर बोलता हूं जो आपको इजी लगता है आप उसको फॉर्मेट को फॉलो करना ठीक है क्या यहां तक क्लियर हो गया पक्का अब क्या करना है वाले में इक्वेशन वन इक्वेशन टू का वैल्यू सीखते जाने का इक्वेशन वन ये आपका इक्वेशन वन का लाइन है सिक्स फोर एस वन आया है एस वन आया है ना यहां पे वन इसका वैल्यू जीरो एस टू है क्या इधर नहीं इसका सॉल्यूशन है सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड समझा किधर एस टू यहां पे एस टू है नहीं. इस इक्वेशन में नहीं तो इसका वैल्यू क्या है यहां पे आता टू फोर एस वन नहीं है एस टू है कुछ नहीं मतलब वन ना नहीं. इसका वैल्यू कितना टेबल कंप्लीट हो गया समझ में आ गया पक्का समझा है चलिए अब टेबल कंप्लीट है सारे वैल्यूज मुझे मालूम है तो आई विल स्टार्ट विद मेरा सॉल्यूशन दैट इज पहले मैं फाइंड करूंगा जेड जे फिर मैं फाइंड करूंगा सी जे माइनस जेड अगर इधर मेरा आंसर आ गया तो मेरे को आगे जाने की जरूरत नहीं है मतलब सीजे माइनस जेड जे इज माई आंसर जो मेरे को चाहिए अगर उधर वैसा आ गया तो मेरा सोल्यूशन है अगर नहीं आया तो हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे फिर सीजे माइनस फिर C -J. ये कब तक करना जब तक सोल्यूशन नहीं आता तो कैसे मालूम पड़ेगा वही आज आपको इस टेबल में बताऊंगा यहां तक क्लियर हो गया आर्यन पक्का आर्यन अब क्या करना है पहले मुझे फाइन करना है जेड जे जेड जे कैसे फाइन करते वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई करना है फिर प्लस एंटरिंग वेरिएबल और कॉस्ट मल्टीप्लाई सिक्स जीरो प्लस टू जीरो प्लस जीरो सर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे सब तो जीरो ही आने वाला है। सब जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है ना सब जीरो आएगा कॉमन सी बात जेड जे मिल गया हर बार जेड जे कैसे निकालना है जो भी कॉस्ट है एंटरिंग वेरिएबल से मल्टीप्लाई जो भी कॉस्ट है और दोनों को क्या करने का प्लस फर्स्ट टेबल में तो जीरो रहेगा। अभी सेकेंड टेबल अगर सोल्यूशन नहीं आ अगर सोल्यूशन आ गया तो डन नहीं आया तो वापस कुछ नया बनाने का फिर हो सकता है ये भाई साहब एग्जिट मारे इधर कोई नया आ जाए ये भाई साहब एग्जिट मारे कोई नया आ जाए तो कॉस्ट बदलेगा सोल्यूशन बदलते जाएगा यहां तक समझा है अब सीजे माइनस सीजे तो देखा था अरे देखा है सीजे है जेड जे है क्या करना है माइनस हंड्रेड माइनस जीरो एटी माइनस जीरो जीरो माइनस जीरो जीरो माइनस जीरो डेल्टा फॉर मैक्सिमाइजिंग क्या बोल रहा हूं जरा ध्यान देना फॉर मैक्सिमाइज़ सी जे माइनस जेड जे शुड बी लेस देन इक्वल्स टू जीरो मतलब अगर मैक्सिमाइजिंग का सम है तो सीजे माइनस जेड जे का आंसर जीरो या उससे कम आना चाहिए मतलब नेगेटिव पॉजिटिव आना चाहिए क्या नहीं बात समझा एंड अगर मिनिमाइजिंग का सम है तो सीजे माइनस जेड जे का आंसर ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो आना चाहिए अगर ये सम मेरा मिनिमाइजिंग का होता तो सीजे माइनस जेड जे का आंसर जीरो या उससे बड़ा आ गया आंसर हो जाता मेरा बट इस सिचुएशन में वैसा हुआ क्या नहीं हुआ क्या क्लियर हम कौन सा सम कर रहे हैं मैक्सिमाइज़िंग आंसर क्या आना चाहिए लेस देन जीरो तो आया है बट इधर मैक्सिमम आ गया हाँ जी तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे नया टेबल बनाना पड़ेगा और नया टेबल बनाने के लिए पहला चीज याद रखना है क्योंकि आंसर नहीं आया क्योंकि आंसर नहीं आया तो जो सीजे माइनस जेडजे में मैक्सिमम है उसको सिलेक्ट करो में मैक्सिमम क्या है हंड्रेड ये है ना मैक्सिमम जीरो जीरो हंड्रेड है तो इसे सिलेक्ट करो तो इससे अगर आप देखोगे ध्यान से मैंने इसे सिलेक्ट किया।, किया इसे हम लोग कहते हैं कॉलम ये क्या है कॉलम और इसको हम लोग थोड़ा सा और अपग्रेड करके नाम देंगे की कॉलम चावी वाला कॉलम क्या नाम दिया इसे की कॉलम और की कॉलम में दो वैल्यूज़ दिख रहे पहला स्टेप था क्योंकि आंसर नहीं आया आंसर नहीं आया इसलिए हमने क्या किया हमने मैक्सिमम आंसर लिए की कॉलम सिलेक्ट कर डन यहा तक अब कॉलम फाइंड करने के बाद रेशियो का कॉलम फिल करेंगे कैसे जो भी सॉल्यूशन है उसे की वैल्यू से डिवाइड करेंगे मतलब सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड डिवाइडेड बाय सिक्स और फोर थाउजेंड डिवाइडेड बाय टू एक कैलकुलेटर नाम का प्राणी रहता है अपने पास सिक्स वनजा सिक्स वंजा सिक्स सिक्स टू इधर बारह सो टू टू झा जीरो 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 बारह सो और इसका आंसर आ रहा है दो हजार मतलब इसका आंसर है दो हजार और इसका आंसर है बारह सो समझ में आया क्या इधर मैक्सिमम और इधर मिनिमम लेने का फिर से ऐसा मैक्स ऐसा मीन सर मिनिमम में भी हाँ दोनों में कंडीशन सेम है ऐसे में, में मैक्सिमम सिलेक्ट करो और ऐसे में मिनिमम तो मिनिमम क्या है बारह सौ है बारह सौ है बारह सौ को सिलेक्ट कर लो समझ में आया हमने इसे सिलेक्ट किया इसे कहते हैं रो और इसे कहते हैं कॉलम और आप अगर ध्यान से देखो तो रो और कॉलम के अंदर ये जो नंबर है ये मिक्स हो रहा है तो इसे चावी की ये था की कॉलम ये था कि रो और जो बीच में है इंटरसेक्शन उसे कहते हैं की उसे क्या कहते हैं की समझ में आ गया चलिए फिर ठीक है स्टार्ट करते हैं ये टेबल क्लियर है कैसे बना क्लियर अब अपने को नया बनाना पड़ेगा तो सेम कॉलम मैंने बना दिया ओके विद दिस कॉस्ट विथ सब सेम ही रहने वाला है उधर कुछ चेंजेस नहीं है सीजे माइनस तो ये तो हंड्रेड ही रहेगा ये एटी था ये जीरो है ये जीरो रहेगा ये था एक्स वन ये था एक्स टू ये है एस वन ये है एस बराबर है अब जो रो है सिलेक्ट हुआ है इसका मतलब ये रो रिप्लेस होगा एग्जिट होगा और उसके जगह पे ये जो कॉलम सिलेक्ट हुआ है वो आएगा सर नहीं समझा इसका मतलब ये कि X1 भाई साहब की एंट्री होगी और S1 की एग्जिट होगी कॉलम से पता चलता है कॉलम से पता चलता है कौन एंटर हो रहा है और रो से पता चल रहा है कहां एंटर हो रहा है कॉलम से पता चल रहा है X1 की एंट्री होगी और कहां होगी तो रो डिसाइड कर रहा है यहां होगी जब यहां होगी मतलब ये भाई साहब जाएंगे और उसके जगह पे आएंगे तो यहां पे आएगा कौन X1 और X1 का कॉस्ट कितना है? 100 इसके पास तो जैसा था वैसे ही है इधर तो कुछ भी नहीं किया मैंने ये स्टेप समझ में आ गया पक्का समझ में आया 100% परसेंट वेरी गुड अब रो का वैल्यू फाइंड करेंगे वेरी सिंपल जो की वैल्यू है उसे सबको क्या करने का डिवाइड की वैल्यू है ना इससे इस रो को जो रो है वो डायरेक्टली आ जाएगा रो में कोई फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना है सिक्स डिवाइड बाई सिक्स बताओ क्या आएगा सिक्स डिवाइड बाई सिक्स फोर डिवाइड बाई समझा नहीं फोर डिवाइड बाय सिक्स टू टू ज़ा टू थ्री जा पॉइंट में नहीं निकालना है फ्रैक्शन में जय दरवाजा बंद कर दो खाली ठीक है यहां तक By 6, 1200. किया हुआ है ना? पहले वैल्यू समझ में आ गए ये समझा, पक्का. अब हम आ जाते दूसरे वैल्यूज को सॉल्व करने के लिए अब दूसरे वैल्यू में रो तो नहीं था ना जो की रो था वो नहीं था मतलब ये बेचारा खाली है तो इधर नया वैल्यू फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला ये आपको याद रखना है न्यू वैल्यू टू फाइंड न्यू वैल्यू वॉट इज न्यू वैल्यू ओल्ड वैल्यू लेने का उस जगह का मतलब वैल्यू तो जो भी उसका ओल्ड वैल्यू वो, पहले वो लिखो माइनस करो करस्पॉन्डिंग की कॉलम की रो अब ये तो पढ़ा था मैंने आपको बताया था ये कॉलम को हम लोग क्या बोलते हैं की कॉलम इसे हम लोग क्या कहते हैं की रो मतलब ये जो टू है वो किधर है कॉलम में और ये सिक्स फोर वन जीरो सेवन ये क्या है रो तो करस्पोडिंग की कॉलम करस्पोडिंग की रो डिवाइडेड बाय की वैल्यू एंड की वैल्यू क्या है सिक्स आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा डिफिकल्ट बट हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं तो मे बी कॉन्फिडेंस आ जाएगा सबसे पहला इधर का वैल्यू तो इधर का ओल्ड वैल्यू क्या है बताओ उधर देखो क्या है ओल्ड वैल्यू क्या है टू माइनस ओल्ड वैल्यू लिखा टू माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम इसका कॉलम वैल्यू क्या है टू है हां जी और इसका रो वैल्यू क्या है सिक्स टू इंटू सिक्स डिवाइड बाय सिक्स की वैल्यू तो सिक्स ही है क्या आंसर आएगा कैसे Cancel किया टू माइनस टू इसका न्यू वैल्यू क्या आया समझा क्लियर है चलिए अब फिर से आप ही ट्राई करना मेरे को ओल्ड वैल्यू वेरी गुड माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम कॉलम टू ही रहने वाला उसका कॉलम भाई साहब बदलेंगे नहीं इनटू रो बदलेगा अब फोर के लिए फोर ही है रो में भी डिवाइड बाय सिक्स समझा गया टू टू जा टू थ्री झा और कैंसिल होगा क्या नहीं फोर माइनस फोर अपॉन थ्री पॉइंट में नहीं लाना है आप ला सकते हो बट डोंट ब्रिंग पॉइंट यहां तक समझा अब बेबी को बेस पसंद आना चाहिए इसकी बेस में क्या है तो इसके भी बेस में थ्री तो मल्टीप्लाई बाय थ्री तो इधर भी मल्टीप्लाई बाय थ्री हो गया बारह माइनस चार डिवाइड बाय थ्री बारह माइनस चार आठ डिवाइड बाय थ्री बेसिक फ्रैक्शन है समझाइए तो इधर क्या आ गया एट डिवाइड बाई थ्री समझा चलिए नेक्स्ट बताइए ओल्ड वैल्यू जीरो माइनस कॉलम तो टू ही है इसका रो कितना है वन डिवाइड बाय सिक्स जीरो माइनस टू बाई सिक्स माइनस वन बाई थ्री बराबर है टू वन जा टू थ्री जा ना जीरो माइनस वन बाय थ्री माइनस वन बाय थ्री होगा तो इसका आंसर आया माइनस वन बाय थ्री आई होप समझ में आ रहा है और यही हर टेबल में करना है यही करते रहने रहनेगा कब तक जब हमारा वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तब तक कौन सा मैक्सिमम के लिए लेस देन इक्वल टू मिनिमम के लिए ग्रेटर टू अगर हो गया मतलब काम खत्म अगर ये टेबल में आ गया तो हमको आगे बनाने की जरूरत नहीं है ये टेबल में नहीं आया तो फिर और ये कंटिन्यू होने और ये है आपका मेथड आपको ये समझना है और वैल्यूज निकाल लेना चाहिए द, द, सिट में अभी भी बोलता इतना ही है डिफिकल्ट इसके अलावा कुछ भी नहीं है अगर आपको यह समझता है तो काम खत्म है डन अभी भी डिफिकल्ट लग रहा है पक्का ओके ना चलिए ठीक है यहां तक पहुंच गए अभी इधर आते हैं बताइए ओल्ड ओल्ड वैल्यू क्या है वन माइनस कॉलम टू ही है इसका रो कितना है जीरो डिवाइड बाय सिक्स आंसर वन इसका आंसर है चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते ओल्ड वैल्यू क्या है फोर थाउजेंड जी माइनस टू इंटू सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड डिवाइडेड बाय सिक्स ये बारह सौ चार हजार माइनस दो हजार चार सौ बराबर है विच इज एक हजार में से माइनस करेंगे तो 600 और सोलह आ जाएगा तो इसका वैल्यू कितना है सिक्सटीन समझ में आ गया डन सारे वैल्यूज मिल गए अब फिर से प्रोसेस किया जाएगा पहले जेड जे में फिर सी जे माइनस जेड जे में जेड जे कैसे मिलता है ये इंटू ये, ये इंटू ये, ये और प्लस करना है वन इंटू हंड्रेड हंड्रेड जीरो का इसका मतलब इधर तो सारे वैल्यू जीरो रहेंगे खाली ऊपर ही मल्टीप्लाई करिए प्लस करना है तो वन इंटू हंड्रेड करेंगे तो हंड्रेड ही आएगा टू बाई थ्री इंटू हंड्रेड करेंगे तो टू हंड्रेड बाई थ्री हंड्रेड बाई सिक्स जीरो ट्वेल्व हंड्रेड इंटू हंड्रेड एक लाख बीस एड किया ना मैंने चार जीरो डाल दिया और कुछ नहीं समझा सीजे माइनस जेड जे मिल गया सॉरी जेड जे मिल गया अभी सीजे जे माइनस हंड्रेड माइनस हंड्रेड जीरो बराबर एटी वर्किंग बनाते माइनस टू हंड्रेड बाई थ्री अब बेस सेम होना चाहिए थ्री से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा टू फोर्टी माइनस टू हंड्रेड बाई थ्री फोर्टी बाई थ्री तो यहां पे कितना आया फोर्टी बाय थ्री पॉजिटिव करेंगे माइनस हंड्रेड बाई सो माइनस तो आंसर क्या आना चाहिए था लेस देन इक्वल टू जीरोस है ये less है ये भी जीरो अटक गया अब यही है अपने पास सिलेक्ट करने के लिए जैसे इधर मैक्सिमम सिलेक्ट करने बोला था तो मैक्सिमम है तो ये अकेला मैक्सिमम है मतलब अब ये सिलेक्ट होगा मतलब दिस विल बी माय कॉलम ये मेरा बन गया कॉलम इसे हम लोग कहते हैं की कॉलम अब हम क्या करेंगे याद करो कैसे निकाला था इसको कैसे निकाला था आपने इसको सिक्स से डिवाइड इसको टू से डिवाइड बराबर तो इसको टू बाई थ्री से डिवाइड इसको एट बाई थ्री से डिवाइड चलिए देखते कैसे डिवाइड करेंगे ध्यान से बारह सो डिवाइडेड बाय टू बाय थ्री तो थ्री ऊपर जाएगा ना तो बारह सो इन टू थ्री डिवाइड बाय टू टू वन झा टू सिक्स ट्वेल्व जीरो जीरो अठारह सो हो गया तो भाई इसका सॉल्यूशन यहां पे आ गया अठारह सो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं भैया बारह सो डिवाइड बाय टू बाई थ्री इक्वल्स टू अठारह सो समझाइए यहां पे आते हैं देख लो और बताओ क्या आ जाएगा इधर आ जाएगा 1600 सो सोलह सोलह सो बाय सो बाई बाय बाई 3 ऊपर चला गया हां जी तो 8 वन 16 एंड 3 ऊपर है तो कितना 3 इंटू टू 600 आएगा ना चलिए ठीक है तो यहाँ पे मैं लिखता हूं हंड्रेड डिवाइड बाई एट बाई थ्रीवल टू सिक्स हंड्रेड इधर मैक्सिमम और इधर मिनिमम मिनिमम क्या है 600 चलिए ठीक है तो आपने इसको सिलेक्ट कर लिया समझ में आया इसे हम लोग क्या कहेंगे कीरो और जो बीच में घूम रहा है एट बाई थ्री ये मेरा की वैल्यू हो गया समझ में आ गया मतलब और एक टेबल बनाना पड़ेगा सेम गोज चलिए ठीक है अब ये तो हंड्रेड ये ये एटी है ये जीरो है ये जीरो है ये एक्स वन है ये एक्स टू है ये एस वन है ये एस टू है, है, है रो डिसाइड क्या करेगा कि भाई ये एग्जिट मारेगा और कॉलम क्या डिसाइड करेगा एंट्री लेगा तो इधर एंट्री कौन लेगा अभी एक्स टू जिसका कॉस्ट कितना है एटी इसको कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं ये टेबल अभी है ना कॉपी पेस्ट करेंगे ना ना इसमें लिखा था, था अब पहले रो सॉल्व करने का रो कैसे किया था सिक्स से सबको रो वाले में रो वाले में डायरेक्ट आंसर आएगा कोई फॉर्मूला रो में नहीं क्या की वैल्यू से पूरे रो को डिवाइड करो तो इधर की वैल्यू क्या है एट बाय थ्री इससे क्या आंसर आएगा जीरो चलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं ब्लैक से जीरो एट बाई थ्री डिवाइड बाई एट बाई थ्री वन एक ही बात है ना यहां पे माइनस वन बाई थ्री डिवाइडेड बाय एट बाई थ्री ऐसा है मेरे को जरा पसंद नहीं वन बाय थ्री डिवाइड बाय एट बाय थ्री जैसे डिविजन लिखा फीलिंग आएगा क्या डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई माइनस वन बाई थ्री इंटू थ्री बाई एट या या -1/8 इस डिवीजन का नाम भी हमने रखा है फिलिंग वाला डिवीजन कि भाई डिवीजन नहीं क्या होता है मल्टीप्लाई समझ में आ फिलिंग आते रहता है 1 डिवाइड बाय 8/3 उल्टा कर दो इसका 3/8 हो जाएगा देख लो करके हाँ जी तो इसका वैल्यू आएगा 3/8 अंडरस्टूड क्लियर है यहां तक पक्का समझा ना

ठीक है ये रहने देता हूं क्योंकि आपको पहला टेबल का फुल सॉल्यूशन मिल जाएगा अब सेकंड के पार्ट जाते यहां पे आ जाते अब ये वैल्यू सॉल्व करना है तो उसके लिए ये उसका क्या है ओल्ड वैल्यू एक एक करके ओल्ड वैल्यू है वन माइनस अब जरा ध्यान से वन के लिए कॉलम वैल्यू ये रो वैल्यू ये क्योंकि ये रो है और ये कॉलम है ना बराबर जैसे इधर था Old. इसके लिए कॉलम वैल्यू यही था रो वैल्यू यही था फोर के लिए कॉलम वैल्यू था रो वैल्यू था ना तो सेम वन ना दिमाग में खाली ये समझ वापस कोई नहीं, लिखता One. One क्या है ओल्ड वैल्यू माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम ये कॉलम है वन के लिए कॉलम क्या रहेगा टू बाई थ्री कॉलम ना तो ये कॉलम वैल्यू और ये रो ये रो है ना मेरा तो इसका रो वैल्यू ये कॉलम वैल्यू ये तो मैंने वही बोला आपको यहां पे मैंने कहा करस्पोंडिंग की कॉलम कॉलम क्या है टू बाई थ्री इंटू जीरो डिवाइडेड बाय एट बाय थ्री जीरो हो गया ये तो पूरा टू बाई थ्री इंटू जीरो 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 डिवाइड बाई एट बाय थ्री जीरो वन माइनस जीरो आंसर वन वन ही आएगा ना होता है जीरो ऐसा बोल देते लोग बट इसका आंसर तो वन आएगा समझा सेकेंड पे जाते पे आते चलो सेकेंड वैल्यू बताओ क्या है सेकेंड वैल्यू क्या है टू, थ्री? वैलु। वैलु है, टू थ्री. माइनस कॉलम वैल्यू भी टू बाई थ्री रो वैल्यू कितना है एट बाय थ्री डिवाइडेड बाई एट बाई थ्री एट बाय थ्री एट बाय थ्री, थ्री कैंसिल टू बाई थ्री माइनस टू बाई थ्री कितना आएगा जीरो समझ में आ गया इधर हैं। ओल्ड वैल्यू क्या है वन बाई सिक्स माइनस कॉलम वैल्यू कितना है टू हाँ या थ्री इंटू रो वैल्यू कितना है? डिवाइड बाई मेरे को पसंद नहीं है भाई ये डिवाइड डाल दिया डिवाइड बाय एट बाई थ्री समझा वन बाय सिक्स माइनस टू वन सा टू माइनस टू बाई नाइन डिवाइडेड बाय एट बाय थ्री फीलिंग वाला डिवीजन वन बाय सिक्स माइनस माइनस टू बाय नाइन इन टू थ्री बाय एट थ्री वन जा थ्री थ्री जा नाइन टू वन जा टू फोर जा एट और कुछ नहीं तो इसका आंसर आया वन बाय सिक्स माइनस वन बाय थ्री फोर जा ट्वेल्व माइनस वन बाय ट्वेल्व देखो थ्री वन झा थ्री थ्री झा नाइन टू वन झा टू फोर झा एट थ्री फोर ट्वेल्व माइनस वन तो था ही इसके पास अरे बराबर है तो इधर माइनस वन बाई ब्रैकेट ओपन करता हूँ प्लस वन बाई ट्वेल्व बेस सेम होना चाहिए मल्टीप्लाई बाय टू करोगे ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय टू करोगे तो आएगा टू बाई ट्वेल्व प्लस वन बाय ट्वेल्व कितना हो गया थ्री बाय ट्वेल्व और अच्छे से लिखोगे तो वन बाय फोर कैंसिलेशन होगा ना तो कितना आंसर आया वन बाय फोर तो भाई इसका आंसर आया वन बाय फोर समझ में आ रहा है बस ये प्रोसेस ही समझना है सिंप्लेक्स मेथड डन है थोड़ा सा आज ऐसा लगेगा सर बहुत ज्यादा लग रहा है बट इफ यू अंडरस्टैंड ना सबसे इजी यही है क्लियर आरियन दे क्लियर यहाँ तक सेकेंड पार्ट पे जाते हैं यहां पे आ गए चलो बताओ जरा ओल्ड वैल्यू क्या है बताइए ओल्ड वैल्यू यहां पे ओल्ड वैल्यू क्या है जीरो जीरो माइनस कॉलम वैल्यू क्या रहेगा इसका टू बाय थ्री रो वैल्यू क्या है इसका वन की वैल्यू क्या है एट बाय थ्री जीरो माइनस टू बाय थ्री बराबर टू बाय थ्री डिवाइडेड बाय एट बाय थ्री जीरो माइनस टू बाय थ्री इंटू थ्री बाई एट कैंसल वन जा फोर जा माइनस वन बाय फोर जीरो माइनस करना है ना समझ में आ गया द लास्ट वन सॉल्यूशन वाला ओल्ड वैल्यू कितना है बारह सो बारह सो माइनस टू बाई थ्री इंटू बाय कॉलम वैल्यू सोलह सो डिवाइडेड बाय एट बाय थ्री डिवाइडेड बाय एट बाय थ्री ठीक है चलिए फीलिंग तो आने लगा है सबको बारह सो ये हो गया बत्तीस सौ डिवाइडेड बाय थ्री मल्टीप्लाई कर दिया ना मैंने डायरेक्ट इन टू थ्री बाय एट थ्री और थ्री कैंसल एट वन जा एट फोर जा थर्टी टू बारह सो में से चार सौ माइनस करो कितना आएगा आठ सौ डन आई गॉट ऑल द वैल्यूज अब जेड जे ध्यान से इधर जेड जे सॉल्व कैसे करेंगे वन इंटू हंड्रेड हंड्रेड जीरो इंटू एटी जीरो हंड्रेड आ जाएगा हा क्या बात है हंड्रेड एटी वन बाई फोर इंटू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव आता है हंड्रेड इंटू जीरो जीरो प्लस वन इंटू एटी एटी जीरो प्लस एटी वन बाय फोर इंटू हंड्रेड एटी डिवाइड करेंगे दस आएगा ये पर, कर दू नो प्रॉब्लम चलिए हंड्रेड इंटू वन बाय फोर प्लस एटी इंटू माइनस वन बाय एट कैंसलेशन कर सकता हूँ फोर वन जा फोर टू जा फोर फाइव जा पच्चीस प्लस टेन माइनस टेन पच्चीस माइनस टेन पंद्रह वही लिख रहा था मैं यहां पे भी फोर से कैंसिल किया तो पच्चीस आएगा और ये माइनस पच्चीस हो जाएगा एट और टेन कैंसिल कर तो दस आएगा दस इंटू तीस दस इंटू तीन तीस हो जाएगा कर दो कर दो हंड्रेड इंटू माइनस वन बाय फोर प्लस एटी इंटू थ्री बाय एट यही है ना गया पच्चीस योग दस माइनस पच्चीस प्लस तीस तीस में से पच्चीस जाएगा तो पांच ये बता रहा कोई नहीं मैं सब एक्सप्लेने टू हंड्रेड करेंगे तो कितना आएगा 80, 600 into 80 करेंगे दो तीन जीरो जाएगा माइनस फोर्टी एट बराबर है अस्सी में फोर्टी एट थाउजेंड माइनस करते हैं। तो दो हजार एड करेंगे दो तो पचास और थर्टी टू थाउजेंड आएगा ठीक है समझ गया अब सीजे माइनस जेड जे करके चेक करते चले सीजे माइनस जेड जे हंड्रेड माइनस हंड्रेड जीरो जीरो माइनस पंद्रह जीरो माइनस पांच क्या मेरा आंसर क्या चाहिए जीरो और जीरो से कम जीरो जीरो से कम आया हाँ तो आंसर क्या है ये तो समझ गया आंसर है ये सॉल्यूशन हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम मैक्सिमम आंसर 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 लाना था तो मेरा यानी का क्या है 32, ये आपका करता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में एक नहीं करेंगे इससे आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब करना वॉचिंग वीडियो